में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही एक बार फिर सामने आई है। कोरोना संक्रमितों के इलाज करने के दौरान उपयोग किए जाने वाली पीपीई किट को डिस्पोज करने की बजाय खुले आसमान में कचरे के ढेर में फेंक दिया गया और ऐसे में स्वच्छता कर्मियों और उनके परिवारों को संक्रमित होने की संभावना बनी हुई है। वहीं विकासखंड चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि पीपीई किट कसरोड में डिस्पोज नहीं की जाती है बल्कि इसे लेने के लिए रायपुर से गाड़ी आती है। उन्होंने ये भी कहा कि कचरे में फेंकी गई किट की जांच कराकर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। मेरे जानकारी में आप लोग से पता चला है और हम लोग जो पीपी किट पहनते हैं उसको डिस्पोज करते हैं, हम अलग से स्टोर करके रखते हैं। स्टोर करने के बाद जो रायपुर कचरा जाती है उसमें ले जाते हैं। हो सकता है हमारे कर्मचारी किसी दिन उसको धोखे से, जो अन्य कर्मचारी हैं जो नगर पंचायत से कचरा लेने आते हैं उस गाड़ी में डाल दिए। और इसी पर सारा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केशव साहू जुड़ गए हैं। केशव, क्या लगता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, डॉक्टर्स या फिर किसी और की लापरवाही? देखिए, डॉक्टर की तो लापरवाही नहीं कही जा सकती, लेकिन डीएमओ का साफ तौर पर कहना है कि स्टाफ के किसी कर्मचारी के द्वारा ये लापरवाही की गई है, तो निश्चित ही डॉक्टर साहब के भी ऊपर यह लापरवाही बनती है, क्योंकि उसके अधीनस्थ कर्मचारी के द्वारा लापरवाही करना मतलब जो मुखिया है उसके उसका भी लापरवाही सामने आता है जी। और अगर इस स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो इससे पहले भी क्या इस तरह की किसी भी लापरवाही का कोई मामला सामने आया है? अभी तक तो ऐसा कुछ लापरवाही का मामला सामने नहीं आया है जी। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा किस तरह की कार्रवाई होती है, अपडेट आपसे जरूर लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक्सप्रेस